हम काम करा था ते सो आदमी अन के गाड़ी रोक के देखा था ते तो हंसते हंसते देखो महिला कारीगरी कर रही है, अपना बेलदारी को काम नहीं करती है, कारीगरी कर रही है महिला, उस पर थोड़ी बनेगी। तो हमने कहा नहीं हम कारीगरी कर लेते हैं तो हम अपनी कारीगरी करेंगे। तो हंसते हंसते आदमी देखते चले जाते हैं, हमें जाइए अपने करते रहे, हम उनसे कुछ मतलब नहीं रखो। जब आप काम करते थे हाँ। तो कोई भी महिला काम नहीं करती है कारीगरी का, हाँ। आप कर दी है हाँ। तो आपको अजीब नहीं लगता था? हमें लगता है था, लेकिन हमें करने तो काम बच्चे पालने थे सो फिर लगा भी है था, अब नहीं लगता है अजीब। वे अपने सोच में कहते हैं महिला कौन नहीं कर पाती है, हम कर पाते हैं काम, हम अपने दिमाग में सोचते हैं कि जो काम ऐसा ऐसा करना है तो दिमाग में दायरा हम काम, तो दिमाग से सीख गए हम अपनी अकल से। तो लोग हंसी उड़ाते हैं हमारी, हम क्या दौड़ाते रहो हंसी, हमें अपना काम करना, हम किसी की नहीं सुनते हैं, अपने काम से मतलब रखते हैं। कारीगरी में बहुत मेहनत होती है, थक जाते शाम के टाइम, छांट भी मारना है एक ही हाथ से, एक हाथ से पटिया मारना है अपना, फिर गोलमाला फिरने एक हाथ से, फिर छांट मारना है। तो कारीगरी में मेहनत ज़्यादा होती है, बेलदारी में होती कम। बेलदारी के मिलते हैं 150 रुपया, बहुत से बहुत 200 मिल जाएंगे, कारीगरी के 300 रुपया, 350 मिल जाते, अच्छे कारीगर हैं 400 रुपया। बहुत दिक्कत आई हमें, बीमार भाई बच्चे मतलब छोटे हथे पढ़ाए लिखाए थोड़ी मंजूरी कर करके, और लोग कपड़ा पहरा जितने बने अच्छे नहीं पहरा, तो गरीबी हालत के बच्चे मतलब पहराए, और गरीबी हालत में हमने साड़ी माड़ी पहरी, गाँव में सिवाए दे देते एक दो साड़ी तो वही पहन लेते हम जी तम पहलो। जब आपने पहली बार की तो लोगों ने क्या सोचा, क्या कहा उस समय? हाँ कर ले तुम कारीगरी कर लेती हो, हमने जी सर हम कर लेते हैं, साहब भी आते बाहर के जहाँ से जावारी स्कूल भी बनाई हमने सरकारी थे, सब लोग कहते तुम कारीगरी सीख जाती हो, कभी औरतें तो करती नहीं हैं, तो हमने हम कारीगरी कर लेते हैं, तो कहते जरा करके दिखाओ, सो हम करके दिखा देते। बाबू जी कानपुर तक के आए थे मतलब ठेका दे रहा, तो नहीं थे हमें सरकारी स्कूल को, तो सब लोगों तई हम लगा देते, हाजिरी भी मतलब पढ़े लंजा हम तो हाजिरी भरवा लेते हम जितने आदमी लगा देते। जमीन मंजूरी करते कर्जा है तो जमीन हती, सो हमारे आदमी ने बेच दे हमें मालूम नहीं पड़ी, फिर आदमी मर गए पैसा एक नहीं मिला जमीन को, सो फिर बच्चा छोड़ मारे चार, फिर गांव बस्ती वालों ने संग दो हमें, कहता मैं तही रहो हम सहारा दें सब बड़े आदमी ने सब ने, तो शादी करवाई हमारी बच्ची की, ये तही मतलब हमसे कही तब नहीं रहे थे तब साधन हम करें गाँव वाले के लग, सो हम ले रहे सबके भरोसे के सहारा दें घर घाई दो है उन, सो अब भी ले रहे अब भी सहारा दे रहे, लेकिन परेशानी बहुत भोगी हमने, सो मंजूरी कराते रहे फिर बेलदारी, फिर हम कारीगरी सीख गए, हमारे पति ख़त्म है सो बाहर हमारे ऊपर आ गया साहब, तो बच्चे हमने फिर हमारे ऊपर आ गया बाहर, तो बच्चे का काम करने लगे, एक दाना भी नहीं है तो घर में हमारे लगा, तो फिर पूरा बाहर आ गया, तो हम करते रहे काम मजूरी करते रहे पालते रहे बच्चे, हमारे ला खाने के लाने नहीं है तो एक दाना भी नहीं है तो घर में, सब फिर हम क्या करते जो भी मजूरी मिली तो कुछ भी करने आए तो हमें अपने बच्चे पालने आएंगे।